इनकम टैक्स के अंदर आप एक नई फंक्शनलिटी देख रहे होंगे, डिस्कार्ड द रिटर्न। फ्रेंड्स, ये फंक्शनलिटी है, ये कोई इनकम टैक्स की नई रिटर्न नहीं है। ये फंक्शनलिटी कैसे वर्क करेगी? आप सपोज कीजिए 31 मार्च 2024 की अपनी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। रिटर्न आप डेटा जो है वो आपने सबमिट कर दिया रिटर्न के अंदर, और उसको आप ई वेरीफाई करने जा रहे हैं। ई वेरीफाई करने से पहले आपको समझ में आया कि इसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई है डेटा के अंदर, या ये इनकम्प्लीट डेटा है, और आप कंप्लीट डेटा को जो है वो डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिस्कार्ड द रिटर्न का यूज़ कर सकते हैं। डिस्कार्ड द रिटर्न का यूज़ करने के बाद में उस पर्टिकुलर पीरियड की रिटर्न को, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न को एज गुड एज न्यू आपको फाइल करना है। फ्रेंड, इसके कुछ एफिक्यूज है, उसको देखते हैं। सपोज आप एक इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल की जो लास्ट डेट होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, वो सब्सिक्वेंट ईयर में 30 जुलाई 2024 होती है। आपने एक रिटर्न फाइल कर रखी है लेकिन उसको वेरीफाई नहीं कर रहे, क्या आप इस रिटर्न को जुलाई 2024 के बाद में डिस्कार्ड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए कि आपकी मार्च 2024 की रिटर्न की जो लास्ट डेट थी 30 जुलाई 2024 थी, इसके बाद में आप डिस्कार्ड रिटर्न कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये एज गुड एज आपका फ्रेश रिटर्न होगी, और इसके अंदर 234F की पेनल्टी लगेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ये बोलना है कि अपन सपोज करो 25 जुलाई को आपने रिटर्न को रिटर्न के डेटा को फिल कर लिया लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया, तो अगर आपको कुछ लगता है, कुछ डाउट है कि इस रिटर्न में कुछ इनकम आ सकती है नहीं आ सकती, उसको वेरीफाई कर दीजिए, क्योंकि तो आपके पास में 30 जुलाई के बाद में रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन रहेगा। अगर आपने उसको वेरीफाई नहीं किया तो एज गुड एज आपकी ये माना जाएगा कि आपने ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं किया, और अन्य स्थिति में आपको 234F का पेनल्टी लग सकता है। एक बार आपने बाई मिस्टेक रिटर्न को डिस्कार्ड कर दिया तो क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है? फ्रेंड्स, ऐसी फंक्शनलिटी नहीं है। एक बार आपने अगर डिस्कार्ड किया रिटर्न को तो कंप्लीट डेटा डिलीट हो जाएगा, उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा। तो डिस्कार्ड का ऑप्शन कहाँ पे आएगा? तो डिस्कार्ड का ऑप्शन के लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है, लॉगिन करना है, ई फाइल में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न में आना है, और ई वेरीफाई ITR पर क्लिक करना है, और वहाँ पर आपको डिस्कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आपकी अन ई वेरीफाइड रिटर्न रहेगी। एक बार आपने अपनी रिटर्न का डेटा भरा और फिर आपको लगा कि यार अब ये गलत हो गया, या मेरे को रिटर्न भरने आपने डिस्कार्ड कर दिया, तो क्या आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो सब्सिक्वेंटली आपको ITR फाइल करनी ही करनी है? ऐसा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि आपने एक बार डेटा फिल किया है तो आप अपनी ITR फाइल ही कर रहे होंगे, तो आपको ITR फाइल करनी चाहिए। आपने अपनी ITR-B को CPC में भेजा और वो ट्रांजिट में, और वो रिसीट नहीं हुई CPC के अंदर, आप इस रिटर्न को वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं, तो क्या आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं? देखिए, ऐसा मना तो नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने बोला है कि इस तरीके का डिस्कार्ड नहीं होना चाहिए। आपने एक रिटर्न को फाइल किया, डेटा फिल किया, और ई वेरीफिकेशन पर इसको डिस्कार्ड कर दिया, उसी रिटर्न को, उसी पीरियड की रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर की पीरियड को आप दोबारा कर रहे हैं, तो क्या डिस्कार्ड फिर से कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ये डिस्कार्ड का जो ऑप्शन आया है वो असिस्टेंट के 13-14-23 से आया है, तो उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि 30 जुलाई है, 21 अगस्त 2023 को 30 जुलाई 2023 लास्ट डेट है ओरिजिनल ITR-1 फाइल करने की, और आप 21 अगस्त 2023 को उसका जो है डिस्कार्ड करते हैं, तो फिर इस पे क्या पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी? जी हाँ, बिल्कुल पेनल्टी लगेगी, इसलिए आप सोच समझ कर डिस्कार्ड रिटर्न कीजिए। तो ये अगेन डिस्कार्ड रिटर्न कोई रिटर्न नहीं है, फंक्शनलिटी है जो आपके फाइल किए हुए डेटा को कंप्लीटली डिलीट कर देती है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें।